गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेक्सोनॉमी का जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है जिसमें हम डिफरेंट फैमिलीज़ को पढ़ रहे हैं, तो इसमें अभी तक हमने काफ़ी फैमिलीज़ पढ़ी हैं। कुछ उसमें प्रिमिटिव थी, कुछ एडवांस थी। अब जो आज फैमिली है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं बीच में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब आगे भी हम कुछ फैमिलीज़ पढ़ेंगे, जैसे अभी मोनोकॉट भी आएगी और कुछ थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती फैमिलीज़ आएंगी, तो वहाँ पर हम ये देख सकें कि एडवांस करेक्टर क्या थे और क्या जो करेक्टर थे वो प्रिमिटिव थे। और इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि हम एक प्रिमिटिव फैमिली रेनन्क्युलेसी पढ़ चुके हैं और ये एडवांस फैमिली जो डाइकॉट की है एस्टरेसी, इसको हम आज पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है कि कंपैरेटिव जो अकाउंट है और जो हमारे दिमाग में बातें हैं कि क्या एडवांस है और क्या प्रिमिटिव है, तो अगर हम इन दो फैमिलीज़ को कंपेयर कर लेंगे तो उसके जो करेक्टर्स हैं और उससे मिलते जुलते करेक्टर जो दूसरी फैमिलीज़ में आएंगे, तो वहाँ पर हमारे लिए ये सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा कि जब कभी भी हमसे कंपेरेटिव अकाउंट मांगा जाएगा या ऐसे भी पूछ लिया जाए सवाल को घुमा के कि आप कुछ करेक्टर बताइए जो आपके एडवांस हैं, और कुछ ऐसे करेक्टर बताइए जो जो बहुत सिंपल और प्रिमिटिव हैं और उनके एग्जाम्पल दीजिए, तो वहाँ पर ये जो फैमिली है बहुत काम आने वाली है। इस फैमिली में ऐसे तो मतलब बहुत आसान सी चीज़ें हैं कि हम कह देते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस, इसमें हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है, हमें याद हो जाता है क्योंकि ये टर्म ऐसा है कि लोग भूलते नहीं हैं। तो एस्टरेसी में हेड इन्फ्लोरेसेंस है या कैपिटुलम है वो हम बोल देते हैं, लेकिन और भी चीज़ें इसमें ऐसी खास हैं जो हमें दूसरे प्लांट्स में एकदम नहीं मिलती, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से इसने अपने आप को एडवांस साबित किया है, कौन से वो करेक्टर हैं जिसके बेस पर इस फैमिली को हम मोस्ट एडवांस माना गया है। और लगभग सभी जितने भी टेक्सोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, यहाँ तक कि जो APG है वो भी यही मानता है कि ये मोस्ट एडवांस डाइकॉट फैमिली है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली है, आइए इसको हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो एडवांस है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका रहेगा ही, क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत एडवांस है, उसने अपने आप को बहुत अच्छा अडेप्ट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा है। तो ये इसी वजह से लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये सब पॉइंट बहुत अच्छे और नोट करने वाले हैं। जो सवाल चाहे वाइवा हो या और भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर ये सवाल आते हैं, और अगर एक बार आप ध्यान से समझ जाएं कि एडवांस है तो लार्जेस्ट होगी। अगर हमें ये बात पता है कि एडवांस है तो ये बात हम बता सकते हैं कि लार्जेस्ट है, क्योंकि कोई भी प्रिमिटिव फैमिली लार्जेस्ट फैमिली नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि वो अपने क्लाइमेट के मुताबिक बहुत अच्छी अडेप्टेशन नहीं दिखा पाई, तो जो अडेप्ट करेगा वही लार्जेस्ट होगा। तो जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी इंसानों की बढ़ती चली जा रही है, उतनी जानवरों की नहीं बढ़ती, क्यों? क्योंकि हमारा जो अडेप्टेशन है वो बहुत अच्छा है और बाकी जो है वो उतना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो बहुत से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए लेकिन हम एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं। हालांकि आजकल की बात के हिसाब से और है, हो सकता है कि ये जो चल रहा है इसमें एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इसमें 1532 जेनरा हैं और 23,790 स्पेशीज़ हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके जो वृहद रूप है उसका। और जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका वर्ल्ड वाइड है वो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहता है। ये प्रेफर होता है, प्रेफर करते हैं कि सब ट्रॉपिकल हो जहाँ पर बारिश तो हो ही साथ में और टेम्परेट कंडीशन ज़्यादातर रहे। तो सब ट्रॉपिकल का मतलब है कि साल भर बारिश तो नहीं हो रही है, कुछ वक्त में बारिश होती है, बाकी जो है वो थोड़ा सा एक तरह से मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा और एरिड टाइप का रहेगा, वहाँ पर ये बड़ा अच्छा ग्रो करते हैं। माउंटेन रीजन्स में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और ट्रॉपिक्स में भी अच्छे ग्रो करते हैं। तो अडेप्टेशन लिया है तो अडेप्टेशन में हर चीज़ आ जाएगी, तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर ये ग्रो ना करते हों, लेकिन थोड़ा जो इनका प्रेफरेबल है वो थोड़ा अलग क्लाइमेट है, और बहुत से ऐसे कंडीशन है जहाँ पर नहीं ग्रो करेंगे। जैसे अब स्नो लाइन है, उसके क्रॉस आप चले जाएँ तो वहाँ नहीं ग्रो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड भी आप निकल जाएंगे जहाँ पर ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर ये नहीं मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको ये इनकी कोई ना कोई स्पीशीज़ और कोई ना कोई जीनस आपको ग्रो करता हुआ दुनिया भर में लगभग सभी जगह पर मिल जाएगा। प्लेसमेंट बेंथमुकर एस्टरेल में रखा था और उसके बाद किसी ने भी इसको बदला नहीं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एस्टरेल, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसमें कोई विवाद का इश्यू नहीं है। तो ये एक तरह से निर्विवाद टाइप की फैमिली है, सभी ये मानते हैं कि एस्टरेल्स में, और इसमें कोई भी बीच में किसी भी टेक्सोनॉमिस्ट ने इसका जो ऑर्डर है वो चेंज करने की कोशिश नहीं करी। क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटी, सब किंगडम ट्रैकियो बायोन्टा जिसको वैस्कुलर प्लांट्स में बोला जाता है, और सब सुपर डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड प्लांट्स हो गए, डिवीजन मैगनोफाइटा जिसमें फ्लावरिंग होती हो, क्लास मैगनोप्सिडा जिसमें डाइकोटिलीडन्स हैं, सब क्लास एस्टरिडी है, ऑर्डर एस्टरेल्स, और फैमिली
एस्टरेसी है जिसको एस्टर फैमिली बोला जाता है। अब सेलियंट फीचर की बात करते हैं। सेलियंट फीचर में वही फीचर आएंगे जो ज़्यादातर एडवांस माने जाते हैं, जैसे हर्बेशियस कंडीशन होना, इरिडॉइड्स का नहीं होना, लीव अल्टरनेट होना, स्टिप्यूल एबसेंट होना, इनफ्लोरेसेंस कैपिटुला में जिसमें दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट, और ये जो है एक ग्रीन कलर के इन्वॉल्कर ब्रैक से घिरा हुआ होता है जिनको फाइलेरीज बोलते हैं, और ये हम कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ये सेपल्स होंगे जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें वो बहुत से होते हैं, अनगिनत होते हैं, और वो उनको बोलते हैं फाइलेरीज ना कि सेपल्स। कैलेक्स जो है वो पेपस होता है, पेपरी होता है, कभी भी कैलेक्स आपको ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत पेपरी फॉर्म में या मेम्ब्रेन के फॉर्म में कैलेक्स मौजूद होता है। एंथर्स यूनाइटेड होते हैं और फॉर्मिंग अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर बना लेते हैं अराउंड द स्टाइल, स्टाइल के चारों तरफ यूनाइट होकर एक सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्टाइल में टू ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट सिप्सला होता है, ये भी बहुत सवाल पूछा जाता है, और इसको अकीन भी कहते हैं, और सिंगल कार्पल साथ में सुपीरियर ओवरी मिल जाती है कभी कभी। वैसे जो है ओवरी इंफीरियर कंडीशन इसमें हमें मिलती है क्योंकि इसमें डिस्क फ्लोरेट रे फ्लोरेट दोनों होते हैं, तो दोनों जगह आपको दोनों कंडीशन अलग अलग मिल सकती है। अब कुछ जो इसके मेजर जनरा हैं, तो क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसमें बहुत से आपके जनरा आ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा जो है वो सिनिशियो है। सिनिशियो जो आप देख रहे हैं ये प्लांट है सिनिशियो। इसके 1470 स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड वाइड। और दूसरा है वर्नोनिया। यहाँ यदा कदा हर तरफ जहाँ आप देखेंगे वहाँ आपको उगता हुआ मिल जाएगा ये। थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से हल्के हल्के बैगनी कलर के जो रे फ्लोरेट्स हैं वो बाहर की तरफ ये दिखते हैं, और ये वर्नोनिया की पहचान होती है। तो ये दो बहुत बड़े जीनस हैं, और सिनिशियो तो याद ही रखिएगा, इसकी 1470 1470 स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, और वर्नोनिया इसकी भी 1050 स्पीशीज़ हैं। तो बहुत ही दो बड़े जेनरा हैं जो इस पर्टिकुलर फैमिली में आते हैं। उसके बाद काउसिनिया है, इसके 600 हैं, ये इसका फिगर है काउसिनिया का। इसके में देखिए बहुत लंबे लंबे जो है फ्लोरेट्स हैं उनकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है, नीचे जो इन्वॉल्कर के ब्रैक्ट हैं ये निडिल लाइक हो जाते हैं, और बाकी भी आप देख रहे हैं पत्तियाँ भी इसके निडिल फॉर्म में आ जाती हैं। तो जीरोफिटिक एडेप्टेशन इसका बड़ा अच्छा होता है काउसिनिया। कभी सवाल आए कि कौन सा ऐसा प्लांट एस्टरेसी में जो जीरोफिटिक एडेप्टेशन दिखाता है, तो उसका आंसर होगा काउसिनिया। दूसरा है यूपाटोरियम, इसमें भी 590 स्पीशीज़ हैं, और ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये वाइट कलर का इन्फ्लोरेसेंस एकदम ऊपर छाते नुमा होता है, और बाकी पत्ते वत्ते तो जैसे एस्टरेसी के होते हैं उसी तरह होते हैं, थोड़े से इलांगेट इस तरह से कर जाते हैं। तो ये प्लांट है यूपाटोरियम। सेंटोरिया 590 स्पीशीज़ हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इसका होता है, और ऑर्नामेंटल में बड़ी इसकी वैल्यू है, और कई जगहों के नाम ही सेंटोर करके होते हैं, तो वो इसी की खूबसूरती से प्रभावित होकर वो नाम रखे जाते हैं। हाइरेशियम, इस पर जेनेटिक्स में और मॉलिकुलर बायोलॉजी में बड़ा काम हुआ है प्लांट, ये आप नाम बहुत बार सुना होगा हाइरेशियम में, ये आप देख लीजिए, ये इसका फ्लावर होता है, सूरजमुखी टाइप का लगता है लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं होता। इसके जो आप जो रे फ्लोरेट्स हैं वो थोड़े से ब्लंट ख़त्म होते हैं, यूं नहीं ख़त्म होते, बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। 470 स्पीशीज इसकी मिलती हैं। हेलिक्राइसम में, हेलिक्राइसम आप ये देख लीजिए, हेलिक्राइसम 460 स्पीशीज, और साउसेरिया है ये इसकी 300 स्पीशीज। किर्सिया में 270 स्पीशीज। क्रिसियम जो है वो ये वाला प्लांट है, क्रिसियम 270 स्पीशीज, और एस्टर 240, इसी के नाम से फैमिली का नाम पड़ा है एस्टरेसी। बाइडेंस, बाइडेंस आप देख रहे हैं कि बाइडेंस ये बना हुआ है और क्राइजेंथिमम ये बना हुआ है। तो क्राइजेंथिमम के बड़े बड़े शोज होते हैं गार्डन्स वगैरह में, और हर साल इसमें लोग घर में उगाते हैं, उसमें कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं क्राइजेंथिमम। ऑर्नामेंटल वैल्यू दोनों की बहुत ज़्यादा होती है। क्रीपस 200 स्पीशीज़ हैं और इनुला 200। तो ये क्रीपस दिख रहा है आपको, ये इनुला दिख रहा है। ग्नाफैलियम 140 स्पीशीज़, और सॉलिडेगो, प्लांट देखने में सॉलिड लग रहा है इसीलिए इसका नाम सॉलिड एगो पड़ा हुआ है, 110 स्पीशीज।
हेलियंथस 100 स्पीशीज हैं, पहचानते हैं आप कौन सा है। और कॉर्डवस, इसके 90 स्पीशीज हैं। तो कॉर्डवस थोड़ा कटीला टाइप का है, और जो आपका हेलियंथस है वो नॉर्मल आपको बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। लेक्ट्यूका 90 स्पीशीज हैं, और टेरेक्सिकम इसकी 80 स्पीशीज हैं। ये भी जेनेटिक्स में बड़ा इस्तेमाल होता है टेरेक्सिकम। ट्रैगोपोगॉन 70 स्पीशीज, सोंकस की 50 स्पीशीज। ट्रैगोपोगॉन आपका ये प्लांट है, सोंकस आपका ये प्लांट है। कैलेंडुला बहुत मशहूर फ्लावर्स का माना जाता है, बहुत ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, वो आप देख रहे हैं 30 स्पीशीज। और वर्बीसिना जो कि लोकली ग्रो कर जाता है, आप कहीं पर भी इसको ग्रो करते देख सकते हैं वाइल्ड में। वर्बीसिना इंसुलाइटिस स्पीशीज है, इसकी 25 स्पीशीज मिलती हैं। तो ये तो बात हो गई थी सारे जनरा की। अब हम डिस्क्रिप्शन इसका देखें, तो यूजुअली हर्ब और श्रब है जैसे हमने शुरू में देख लिया था। उसके बाद जो इसमें रेयरली ट्री पाए जाते हैं, तो वर्नोनिया आर्बोरिया जो है वो ट्री फॉर्म में होता है, और ल्यूकोमेरिस ये ट्री फॉर्म में होता है। लाइनास कभी कभी मिलते हैं, उसमें वर्नोनिया स्कैंडेंसिस ये लाइनास के फॉर्म में मिलता है। और कभी कभी जो है वो ट्यूबर्स भी इसमें मिल जाते हैं, जैसे डहलिया में ट्यूबर मिल जाएंगे, और हेलियंथस ट्यूबरोसस उसके स्पेशीज से ही आप नाम समझ रहे हैं कि इसमें ट्यूबर बनते होंगे। यूजुअली स्टोरिंग इन्यूलिन, इसमें इन्यूलिन पाया जाता है, इरिडवाइट्स नहीं होते, उसकी जगह इन्यूलिन होता है। लेटिसिफेरस यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, लेटिसिफर्स इसमें होते हैं, और रेयरली लैकिंग कभी कभी नहीं होते। टर्पिनॉइड यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, इरिडवाइट्स नहीं होते। यूजुअली सेस्क्यू टर्पिन्स, और टर्पिनॉइड में भी सेस्क्यू टर्पिन ज़्यादा मिल जाती है, और इरिडवाइट्स एबसेंट होते हैं, तो ये इरिडवाइट्स नहीं होते। रूट, इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और कभी कभी जो है वो इसमें ट्यूबर्स बन जाते हैं, जैसे आप डहलिया में देख सकते हैं। ये डहलिया का रूट्स हैं जिसमें आप ट्यूबरस रूट्स देख रहे हैं, और ये नॉर्मल रूट्स होती हैं जो कि आपको किसी भी और दूसरे एस्टरेसी के मेंबर में मिल जाती हैं टैप रूट। स्टेम इरेक्ट प्रोस्टेट हर्बेशियस, और कभी कभी वुडी होता है, तो अल्टिमेसिया में वुडी मिल जाता है। हेयरी होता है, समटाइम्स लेटेक्स पाया जाता है क्योंकि लेटिसिफेरस पाए जाते हैं। स्टेम ट्यूबर बना लेते हैं, हेलियंथस में ट्यूबरस स्टेम भी मिलते हैं, जैसे रूट्स आपने देखी थी वैसे स्टेम में भी ट्यूबर्स बन जाते हैं, और ये एडिबल होते हैं। सिलिंड्रिकल होते हैं, ग्लैबरस होते हैं, हेयर्स वगैरह पाए जाते हैं, और कभी कभी लीफ लाइक बन जाते हैं बैकेरिस में। और बैकेरिस का ये फिगर है कि यहाँ स्टेम आप देखिए, वो लगता है थोड़ा सा लीफ नुमा हो गया है, तो ये एक थोड़ा एक्सेप्शन है। लीव्स यूजुअली अल्टरनेट सिंपल होती हैं, वो हमें पता है किस तरह की होती हैं। कभी कभी जो है वो कंपाउंड होती हैं, जैसे डहलिया और आर्टिमिसिया में। तो यहाँ पर आप ये आर्टिमिसिया की लीव्स को देख रहे हैं जो कि कंपाउंड लीव्स होती हैं। इसके अलावा डहलिया में भी इसी तरह की लीव्स होती हैं, लेकिन कभी उसमें अपोजिट कंडीशन मिलती है। वैसे तो अल्टरनेट पोजिशन होती है जो कि एक एडवांस फीचर है, लेकिन अपोजिट कंडीशन जो कि एक प्रिमेटिव फीचर माना जाता है, वो भी मिल जाता है डहलिया में। और स्टिप्यूल्स एबसेंट होते हैं, ये फैमिली का करेक्टर। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस बहुत मशहूर कैपिटुलम होता है, जैसे हेड इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। ब्रॉड एक बहुत चौड़ा सा रिसेप्टिकल होता है जिसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, और इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। डिस्क, जैसे ये डिस्क वाला बना हुआ है, ये डिस्क फ्लोरेट हैं जो डिस्क के ऊपर हैं, और बाकी ये किरणों की तरह फैले हुए ये रे फ्लोरेट्स हैं। तो ये तो रे हो गए और ये डिस्क फ्लोरेट हो गए। अब इसमें जो इनके शेप साइज़ हैं वो थोड़े थोड़े सब में अलग अलग होते हैं। किसी में जो है वो आप देखेंगे कि बहुत पतले हो जाते हैं, किसी में बहुत मोटे हो जाते हैं, किसी में कांटे नुमा हो जाते हैं। तो ये अलग अलग जो इतनी स्पीशीज़ हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, तो इसमें वेरिएशन मिलना एक लाजमी सी चीज़ है। तो बहुत से वेरिएशन इसमें होते हैं, जैसे कि कहीं रेडिएट करते हैं, रेडिएट का मतलब बाहर की तरफ निकलने, जैसे आप हेलियंथस में देखते हैं, एस्टर में देखते हैं, और कहीं कहीं जो है वो बहुत स्पाइक लाइक हो जाते हैं, तो वो आपको या लिग्यूलेट हो जाते हैं, जीप की तरह हो जाते हैं, जैसे कि सोंकस में हो जाते हैं, लवनिया में हो जाते हैं, इसमें लिग्यूल बनाए इस तरह से बन जाते हैं। तो ये इसमें बहुत वेरिएशन है रे और डिस्क फ्लोरेट में। ऑल टाइप्स ऑफ हेड्स हैविंग फ्लोरेट सराउंडेड बाई इन्वॉल्यूकर ब्रैक्ट, जिसकी बात शुरू में हुई थी कि सभी में ब्रैक्ट्स होते हैं जिनको फाइलेरीज कहते हैं, लेकिन कभी कभी कैपिटुलम विथ सिंगल फ्लोरेट इकिनॉप्स में सिंगल फ्लोरेट होता है जो कि एक ग्लोबोस हेड बना लेता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं।
ये एक वेरिएशन है जो कि किनोव से मिलता है, जहाँ पे ग्लोबोस हेड मिलता है, तो ये ग्लोब लाइक आप हेड देख रहे हैं। अदरवाइज इन्वॉकुल इन्वॉलुकर या फाइलेरीज मिलते हैं, और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ फ्लावर्स द हेड्स आर थ्री टाइप, तीन तरह के हेड्स इसमें होते हैं, हेट्रोगैमस या फिर इन्हें रेडिएट हेड्स भी कह सकते हैं। हेट्रोगैमस का मतलब है कि दो तरह से मिलेगा, इसमें रे फ्लोरेट्स होते हैं जो कि लिग्यूलेट होते हैं, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं लिग्यूल शेप के ये रे फ्लोरेट्स हैं, लिग्यूल लाइक जो कि जीप की तरह होते हैं, और ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जबकि जो इनर हैं वो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, और ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ये और यहाँ पे अंदर के आप ये वाली लेयर देख रहे हैं तो येलोइश, तो डार्क येलो कलर की है, ये डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो ये हेट्रोगैमी हो गई क्योंकि इसमें एक जाइगोमॉर्फिक मिल रहा है, एक हमें एक्टिनोमॉर्फिक मिलता है। होमोगैमस रेड और लिग्यूलेट हेड्स, होमोगैमस में क्या है कि यहाँ पर एक ही तरह के होते हैं और सभी में एक ही चीज़ होती है कि सारे के सारे जाइगोमॉर्फिक होते हैं, इसमें कोई भी एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की चीज़ नहीं होती, लिग्यूलेट होते हैं, चाहे आप ये बीच वाले देख लीजिए चाहे आप ये वाले देख लीजिए, सोनकस में ऐसी कंडीशन मिलती है। होमोगैमस नॉन रेड और डिस्कॉइड हेड, इसमें कोई रे जो है वो नहीं बाहर निकलती, डिस्क लाइक बनते हैं, तो जैसे अभी आपने एक इकिनॉप्स देखा था उसमें भी बन रहा था, और यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर फ्लावर्स में ट्यूबुलर हो जाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एजीरेटम में ये कंडीशन मिलती है, और ये आपको यहाँ पर ये दिख रहा है जो कि सब एक से ही आपको दिख रहे हैं, इसमें कोई भी रे फ्लोरेट नहीं दिख रहा है, ये सब जो है वो आउटग्रोथ हैं, या हम इसको कहेंगे इन्वॉल्यूकर होते हैं, और ये ट्यूब लाइक बनते हैं ना कि अलग अलग बनते हैं, तो इसमें जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक चीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स, इसमें क्योंकि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हैं या हेड हैं, अलग अलग हेड में अलग अलग फ्लोरेट्स मिलते हैं, तो उसमें एक थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, द फ्लावर्स ऑफ द हेड में भी हर्माफ्रोडाइट, जैसे कि एजिरेटम में शुरू में हमने देखे थे, ये यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है एजिरेटम का, और रे फ्लोरेट्स आर फीमेल और न्यूट्रल या न्यूटर, एंड इनर वंस हर्माफ्रोडाइट और मेल, रेयरली द कम्प्लीट हेड बेयर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बहुत कम ऐसा है कि पूरे के पूरे हेड में सारे के सारे फ्लावर यूनिसेक्सुअल हों, अदरवाइज क्या होता है कि जो रे फ्लोरेट्स हैं ये तो फीमेल होते हैं, और जो डिस्क फ्लोरेट हैं बीच वाले जो यहाँ पर ये बने हुए हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये, इनमें क्या होता है ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनमें मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा। फ्लावर्स बाईसेक्सुअल, यूजुअली डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ द लिग्यूलेट हेड, ये बाईसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं जो रे फ्लोरेट्स होते हैं जहाँ पर लिग्यूलेट हेड पाया जाता है, और ये जो रे फ्लोरेट्स हैं ये कभी कभी स्टराइल भी हो सकते हैं, मतलब या तो फीमेल होंगे या फिर स्टराइल होंगे, ये मेल नहीं होते। एक्टिनोमॉर्फिक यूजुअली डिस्क फ्लोरेट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक रे फ्लोरेट्स होते हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन डिस्क फ्लोरेट में आएगी जो बीच में पाए जाते हैं, और जो रे फ्लोरेट्स हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एपिगाइनस कंडीशन होती है। रे फ्लोरेट्स की बात डिटेल में कर लेते हैं, तो जाइगोमॉर्फिक हैं, लिग्यूलेट हैं, पिस्टिलेट हैं या फिर न्यूटर हैं, न्यूटर का मतलब न्यूट्रल हो गया, समटाइम्स ऑल्सो बाइसेक्सुअल एपिगाइनस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किनारे के फ्लावर्स हैं जो रे बना रहे हैं, और यहाँ ये कंडीशन है कि ये बीच बीच में आप ये सब देख रहे हैं कि डिस्क फ्लोरेट आपको दिख रहे हैं और ये पीले वाले आपको रे फ्लोरेट दिख रहे हैं, ये इसका कोरोला दिख रहा है येलो कलर का, अब इसको आप गौर से देखेंगे तो जैसे ये बनता है तो इसमें छोटे छोटे इस तरह से ये कंडीशन आती है। अब ये पांच मिल जाते हैं, इसमें वेलवेट कंडीशन हो गई और पांच कोरोला हो गए, तो अगर इसका ऊपर का हिस्सा देखेंगे तब हमें इसमें तो थोड़े थोड़े ये थोड़े थोड़े बाइफर्केशन टाइप के दिखते हैं, वो अपने आप में सब इंडिविजुअल कोरोला होते हैं जो साथ में यूनाइट कर जाते हैं, नीचे का पूरा हिस्सा यूनाइटेड होता है। तो इसी तरह से हमें देखना होता है, जब हमें ये फ्लावर मिलता है तो इसमें रे फ्लोरेट देखेंगे, डिस्क फ्लोरेट देखेंगे, तो पहले आप रे फ्लोरेट देख लीजिए, उसको स्टडी कर लीजिए, उन सबको निकाल लीजिए, उसके बाद जो डिस्क बचेगी उसमें डिस्क फ्लोरेट होंगे जिसमें बाकी आपको चीज़ें मिलती हैं। कैलेक्स की बात करते हैं, तो कैलेक्स एब्सेंट होता है या फिर जो है वो पेपरी होता है, जिसको पेपस कहते हैं, तो इतना सिग्निफिकेंट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, चारों तरफ जो है वो हल्का हल्का सा आपको लगेगा कि कोई यहाँ पर हल्की सी एक लेयर पेपर की चिपकी हुई है, उसी को कैलेक्स बोल देते हैं।
कभी कभी ये ब्रिसल्स के फॉर्म में होता है, जैसे बाइडन्स में ब्रिसल्स बना लेते हैं ये, इसमें ये लंबे लंबे रेशे ऐसे बन जाते हैं, ब्रिसल्स बना लेते हैं, या फिर हेयर लाइक हो जाते हैं सोंकस में, या फिर प्लूमोज हो जाते हैं कार्डवस में, ये कार्डवस है जिसमें प्लूमोज हो गए। तो ये प्लूमोज का मतलब ये आप देख लीजिए, नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ पर ये थोड़े प्लूम लाइक स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं, तो इनको ही हम कहते हैं कैलक्स। तो यूजुअली पेपरी होते हैं तो हमें दिखते नहीं है। करोला, करोला जो आप देखेंगे तो उसमें हम 5 पेटल्स पाते हैं, यूजुअल कंडीशन में ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, 5 लोब इसमें मिल जाते हैं डिस्क फ्लोरेट में, और लिग्यूलेट होते हैं रे फ्लोरेट्स। तो यहाँ पर आप जो डिस्क फ्लोरेट देखेंगे, बीच वाले देखेंगे, वहाँ तो आपको ये 5 लोब मिल जाएंगी, मतलब इस तरह से आपको ये 5, 3, 4 और 5 लोब मिल गई। और डिस्क फ्लोरेट में जो है वो आपको 3 से 5 टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 1, 2, 3, तो ये 3 यहाँ दिख रहे हैं, तो होते दोनों में है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि कैलक्स तो पेपरी होता है जिसको पैपस कहते हैं, लेकिन कोरोला होता है जो रे फ्लोरेट है उसमें बड़ा सा दिख जाता है, जो अपने आप में ये पूरा एक आप निकालेंगे तो ये अपने आप में ये सेट ऑफ कोरोला है, ये ध्यान रखना है। तो है तो रे फ्लोरेट लेकिन इसमें सेट ऑफ कोरोला है, और बिल्कुल जो इसका बेस होगा, जैसे हम ये देख लें कि ये हमने ये निकाल लिया, और ये जो बेस है इस बेस के ऊपर यहाँ पर एक पेपर लाइक छोटा सा, छोटे छोटे पेपर लाइक जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कैलक्स। तो ये पेपस पेपस होता है, पेपरी होता है, और ये आपका वाइब्रेंट होता है, जो कि बेसिकली येलो कलर के होते हैं। अब बात होगी फ्लोरल फार्मूला, तो यहाँ पर दो इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं मैं रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट होते हैं। तो यहाँ पे इसको बारी बारी देख लेते हैं। अगर रे फ्लोरेट की बात करें जो कि किनारे की तरफ होते हैं, इसमें ब्रैक्टिएट है, तो ब्रैक्ट कंडीशन दिख रही है हमें, और सिर्फ इसमें ये फीमेल पार्ट होता है तो वो दिख रहा है, जाइगोमॉर्फिक है तो जाइगोमॉर्फिक दिख रहा है, ये निशान यहाँ ठीक हो जाना चाहिए था, तो एक ये बनाना है, इसको हटा दें। के 2 to 3 होते हैं और पेपरी होते हैं, तो वो ये पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं, 1 to 3। सी 3 to 5 होते हैं, ये दिख गए आपको 3 यहाँ पर, और ये एंड्रोशियम से जुड़े होते हैं, तो क्योंकि इसमें कोई एंड्रोशियम है नहीं इसलिए 0 रहता है, अगर होते हैं तो ये जुड़े ही रहते हैं। जी 2 होते हैं और ओवरीज इंफीरियर होती है, तो ये कंडीशन हो गई रे फ्लोरेट की। डिस्क की देखें तो यहाँ पर ब्रैक्टिएट है, ये ब्रैक्टिएट मिल गया, ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ये ठीक है, दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, वो यहाँ पर ये मिल रहा है, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो ये हमें दिख गए। के 2 to 3 पेपर्स होते हैं, और या कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये 5 आपको दिख रहे हैं, जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 5 हैं। सी 5 हो जाएंगे, अगर ये हम 5 दिखा रहे हैं तो सी भी 5 दिखाएंगे, तो यहाँ पर जो बनने चाहिए थे वो यहाँ 2 और जुड़ने चाहिए। तो देखिए आप, ये इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होती है जो कि गड़बड़ हमें मिलती है, तो एज इट इज़ हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हमेशा थोड़ा अपना दिमाग लगा के उसको ठीक करना चाहिए। अब ये A5 हो गए और ये फ्री हैं। जी बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस इनफीरियर ओवरी, तो ये कंडीशन ठीक है। इस तरह से ये फ्लोरल फार्मूले की बात हमने कर ली। अब डिस्क फ्लोरेट बारी बारी इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सवाल काफ़ी आ जाते हैं, तो उनमें आपको देख लेना बेहतर होता है। डिस्क फ्लोरेट ब्रैक्टिएट होते हैं, सेसाइल होते हैं, कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, एपिगाइनस, ट्यूबुलर। अब डिस्क फ्लोरेट की लोकेशन आप देखें तो ये दिख रही है, ये जो पूरी है डिस्क है, इनमें जितने भी फ्लोरेट आपको ये दिख रहे हैं ये डिस्क फ्लोरेट हैं, जैसा यहाँ लिखा है, ये मेल और फीमेल दोनों इसमें पाए जाते हैं। तो एंसो एंथर वाला पार्ट आप इसको ये देख लीजिए, ये ऊपर का पार्ट जो यहाँ लिखा हुआ है एंथर है, और उसके अलावा स्टाइल आपको दिख रही है बाइफिट टाइप की, ये स्टिग्मा स्टाइल हो गई। कोरोला नीचे की तरफ दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा ब्लूइश पार्ट है, ये इसका कोरोला हो गया, और ये लिग्यूलेट वाले रे फ्लोरेट्स हैं और बीच के डिस्क फ्लोरेट हैं, ओवरी इसकी इन्फीरियर होती है, और ये एक रिसेप्टिकल होता है जिसपे ढेरों फ्लावर निकलते हैं, और इसमें 2 तरह से होते हैं डिस्क और रे। तो ये एक यूजुअल, एक हम कहें कि फ्लावर की बात करें या हम उसको बोल सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, तो इस तरह का होता है, और नीचे की तरफ ये हमें इन्वॉल्वकर दिख रहा है जिसको फाइलेरीज हम बोलते हैं। कैलेक्स, तो कैलेक्स तो इसमें इतना नजर नहीं आता क्योंकि पेपर ही होता है, तो कैलेक्स आपको ऐसे दिखेगा नहीं जब आप पूरा ये रे फ्लोरेट निकाल लेंगे बाहर,
रे फ्लोरेट में नीचे की तरफ हल्का हल्का आपको इस तरह से इम्प्रेशन लाइक एक पेपर लाइक दिखता है, वही कैलक्स होता है। और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं होती, नंबर उसका 2 to 3 या फिर मैक्सिमम 5 हो सकता है। और ये परसिस्टेंट होते हैं, पेपरी होते हैं, लेकिन हमेशा लगे रहते हैं, ये भी एक खास बात है। फ्लोरल पार्ट देख सकते हैं, तो जो इस तरह से नज़र आए जब हम मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं, क्योंकि बहुत छोटे फ्लावर होते हैं तो बिना मैग्नीफाइंग लेंस के आप इसको नहीं देख सकते। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखे तो ये स्टिग्मा होता है, उसके बाद ये स्टिग्मा घिरा होता है यूनाइटेड एंथर से, उसके नीचे की तरफ यूनाइटेड पेटल्स होते हैं, और ये पेपस है जो कि आप देख रहे हैं, ये धारियाँ जैसी बनी हुई हैं, ये पेपरी कैलेक्स होता है। और इसके नीचे जो ओवरी है ये बाद में फर्टिलाइज होकर फ्रूट बनाती है, जिसको हम कहते हैं अकीन। तो ये डिसफ्लोरेट हो गया और ये रेफ्लोरेट हो गया। तो क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? इसमें अंतर ये नज़र आ रहा है कि स्टिग्मा तो दोनों में मिल रही है, तो दोनों में फीमेल तो है, इसमें भी फीमेल है, इसमें भी फीमेल है, लेकिन मेल सिर्फ इसमें है और इसमें मेल नहीं है। रिसेप्टिकल देखते हैं, तो रिसेप्टिकल में इसी तरह से डिसफ्लोरेट जैसे पीछे डायग्राम देखा था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये डिसफ्लोरेट आप देख रहे हैं बाइसेक्सुअल होता है, और ये रेफ्लोरेट हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, और चारों तरफ से ये ब्रैक्ट या फिर इन्वॉल्यूकर या फिर फाइलरीज इनको हम बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे कैपिटुलम कहते हैं। तो अगर कहा जाए कि कैपिटुलम में क्या क्या होता है, तो हम नीचे से लिखना शुरू करें तो कैपिटुलम में नीचे से क्या होगा, सबसे पहले हमें मिलेंगे इसमें फाइलरीज, उसके ऊपर हमें मिलेगा एक डिस्क, डिस्क के ऊपर हमें मिल जाएंगे इसमें पेपरी जो कैलेक्स हैं वो दिख जाएंगे, उसके बाद करोला दिखेंगे, उसके बाद हमें दिखेगा मेल और फीमेल पार्ट, तो मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट, इतनी चीज़ें मिलकर बनेंगी। कोरोला, तो कोरोला थोड़ा हमें दिख जाता है, क्योंकि ये कोरोला इसमें जो रे फ्लोरेट होता है इसमें भी होता है, और साथ में डिस्क फ्लोरेट होता है इसमें भी होता है। तो ये आपको इस तरह से दिख जाएंगे, तीन हैं तो ये तीन लोब दिखेंगी, पाँच हैं तो वो पाँच लोब दिख जाती हैं। तो इस तरह से ये हमें कोरोला दिख जाते हैं, कैलेक्स पेपर ही होता है वो। फिर आप चाहे रे फ्लोरेट में देखें चाहे डिसफ्लोरेट में देखें, दोनों में दिखेंगे। और यहाँ पर ये बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे कि नीचे की तरफ ब्रैक्ट होते हैं, इसके ऊपर ये डिस्क रिसेप्टिकल होता है, और रिसेप्टिकल के ऊपर ये डिस्क फ्लोरेट बन रहे हैं, और इसके चारों तरफ जो है वो किरणों की तरह रे फ्लोरेट है, और यहाँ पर जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है उसे फाइलरीज कहते हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार खुद से बना लीजिए ताकि आपको याद रहे कि क्या इसका एक्चुअली कंस्टिट्यूशन होता है, क्या है हेड का। एंडोशियम स्टेमेन 5 एपिपेटलस कंडीशन है, सिंजेनेसियस है, डाइथिकस, इंट्रोस और लॉन्गिट्यूडनल डहिसेंस इसमें होता है। तो ये सब देखिए जुड़े हुए हैं, इनको कहते हैं सिंजेनेसियस कंडीशन। और बाकी इसमें डाइथिकस हमें पता है कि क्या, डाइथिकस का मतलब है कि इस तरह से एक लोब और ये दूसरी लोब डाइथिकस हो गए। और नीचे की तरफ आपको ये जो पेटल्स हैं वो दिख रहे हैं जो एक ट्यूब का फॉर्म कर रहे हैं, ये ट्यूब है कोरोला ट्यूब, ये पांचों जो है फ्यूज होकर एक पेटल बनाते हैं, और नीचे की तरफ ये सेपल्स हैं जो कि पेपरी होते हैं, और फिर एक बिल्कुल नीचे ओवरी, क्योंकि ये ओवरी क्या होती है, इन्फीरियर होती है। यहाँ पर ये फीमेल का आपको स्टिग्मा दिख रहा है, ये इसका स्टाइल इसके अंदर चला जाता है, इसको चारों तरफ से मेल घेर लेते हैं, और ये फिर आपको पेपरी दिख रहा है, और यहाँ पर ट्यूब और फिर यहाँ पर ओवरी दिख रही है। तो वही बात फिर से हम देख सकते हैं। गायनोशियम, तो गायनोशियम में जैसा कि हमने पहले देखा है कि गायनोशियम 2 यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, और दोनों यूनाइटेड कार्पल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पर मिलेंगे, और इसके ऊपर ये स्टाइल स्टाइल जो है वो मेल के बीच से निकलती है, और ऊपर ये आपको बाइफिड स्टिग्मा दिखता है। यही स्टिग्मा जो है पहचान करा देता है ये फीमेल पार्ट है। ये इनफैक्ट हमें जो रे फ्लोरेट है, जो रे फ्लोरेट होता है इसमें भी हमें यहाँ पर लगा हुआ ये दिख जाता है, बाइफिड हमें स्टाइल नजर आती है। फ्रूट और सीड करेक्टरिस्टिक सिप्सेला फ्रूट होते हैं, जिनको एकिन भी कहते हैं, और ये सिंगल कार्पल से बनते हैं, और इनकी जो जब सीड बन जाते हैं तो ओवरी की पोजीशन जो है वो सुपीरियर ओवरी हो जाती है, क्योंकि सिप्सेला अगर बने हैं तो, और सिप्सेला नहीं बनते हैं नॉर्मल अगर हैं तो उनमें यह ओवरी इंफीरियर रहेगी, सीड बन रहता है, एम्ब्रियो स्टेट रहता है, एंडोस्पर्म यूजुअली एबसेंट।
पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, तो ये फिगर में आप देख ही रहे हैं कि इंसेक्ट जो है कितनी मददगार साबित हो रहे हैं इसके पॉलिनेशन कराने में। और आप यूजुअल कंडीशन में भी अगर आपके पास गार्डन में लगे हुए हैं या गमलों में भी लगे हुए हैं तो आप देखते हैं कि इंसेक्ट इसमें अट्रैक्ट होते रहते हैं और आते रहते हैं। और येलो कलर के फ्लावर जो हैं वो ये माना जाता है कि इंसेक्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो ये पॉलिनेशन हो गया एंटेमोफिलस। ये भी जो है वो एक ऐसा करेक्टर है जो एडवांस भी लोग कुछ मानते हैं और कुछ कहते हैं कि प्रिमिटिव है, क्योंकि इसमें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है इंसेक्ट की, और एनिमोफिलस होता तो वो एडवांस करेक्टर होता। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसमें काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एक तो यही है कि भाई सारे प्लांट इतने शोई फ्लावर्स देते हैं तो सब डेकोरेटिव या फिर ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते ही रखते हैं, लेकिन और भी चीज़ें इसमें हुई हुई हैं तो उनके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो कुछ जो मेजर इसमें हैं जो कि ऑर्नामेंटल के तौर पर हैं वो एस्टर है, डहलिया है, क्राइजेंटिमम है, जरबेरा है, क्राइसम है, टेजिटस है और जीनिया है। ये सारे बहुत अच्छे बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं और इनके एग्जीबिशन वगैरह लगते रहते हैं। अ फ्यू फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग लैक्टिवका सटाइवा होता है, सलाद के तौर पे, लेट्यूज के तौर पे काम आता है, साइनेरा होता है, इसको आर्टिचोक भी बोलते हैं, हेलियंथस होता है जो कि सनफ्लावर ऑयल इससे मिलता है और बहुत इस्तेमाल होने लगता है, क्योंकि माना जाता है कि कार्डियक डिजीज जिनको हो उनको ये सनफ्लावर ऑयल ऑयल लेना चाहिए। तो एक क्रांति आ चुकी है, कोई किसी भी आप जाएँ कहीं सामान लेने वहाँ पर आपको सनफ्लावर ऑयल जो है वो मिल जाता है। चिकोरियम होता है, चिकोरियम एंटिबस होता है जो कि कॉफ़ी के साथ इसको डाला जाता है फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए। सेफ्लावर ये रेड डाई देता है, ये मिलता है कार्थमस टिंक्टोरियस से, इसमें रेड बड़ी अच्छी डाई मिलती है सेफ्लावर से। और इसके बाद इसके सीड्स जो हैं वो सेफ्लावर ऑयल भी देते हैं जो कि कुकिंग में इस्तेमाल होता है। ये भी काफ़ी एक कॉस्टली ऑयल होता है कुकिंग ऑयल सेफ्लावर का। तो सनफ्लावर ऑयल भी होता है और सेफ्लावर ऑयल भी होता है, तो बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट ही मानते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल लोग कहते हैं कि जो सरसों का तेल है वो ज़्यादा बेहतर है, तो ये पता नहीं किस हिसाब से चलता है कि डॉक्टर्स आपस में ही सहमति नहीं बना पाते हैं। क्राइजेंटिमम सिनेरीफोलियम ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, जिससे पायरेथम मिलता है। पायरेथम जो है वो इंसेक्ट को भगाने में, मच्छर वगैरह वहाँ पर जहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मच्छरों की परेशानी होती है वहाँ पर ये क्राइजेंटिमम प्लांट आप लगा दीजिए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मच्छर अपनी कॉलोनाइजेशन नहीं करते हैं। फाइलोजेनी, अब फाइलोजेनी इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि मोस्ट एडवांस माना जाता है, तो कई फैमिलीज इसमें जो है वो इसकी बहुत रिलेटेड हैं, एक आध कोई मर्ज करी गई हैं, कुछ में मोनोफाइलेटिक मानी जाती हैं, तो सबके अलग अलग व्यूज़ रहते हैं। अब फिर भी एक बार हम देख लेते हैं क्या है इसमें मेन जो इसको लब्बो लुआब है वो क्या है। एस्टरेसी इन स्पाइट ऑफ ह्यूज साइज फॉर्म अ वेल डिफाइंड क्लैड इजिली रिकोगनाइजेबल एंड इविडेंटली मोनोफाइलेटिक। तो ये याद रखना है कि मोनोफाइलेटिक है, इसका कोई संगी साथी जो पॉलीफाइलेटिक कंडीशन होती है वो नहीं मिलती। द फैमिली इज ऑफन कंसिडर रिलेटेड टू रूबिएसी, कैप्रीफोलिएसी, डिप्साकेसी, वेलरनरेसी, कंपेनुलेसी और कुछ दूसरी फैमिलीज हैं। द फर्स्ट फोर आर बेसिकली साइमोज एंड ऑल्सो डिफर इन बायोकेमिकल फीचर। तो ये मानी पहले गई थी लेकिन बाद में हटा दी गई क्योंकि इसमें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मिलता था, जबकि एस्टरेसी का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हेड है, कैपिटुलम करेक्टरिस्टिक। इसी तरह से स्टाइलिडिएसी, कुडिनिएसी एंड बोरोनिएसी ये भी एस्टरेसी की तरह कभी लगती थी, लेकिन इनमें रेसिमोस था इन्फ्लोरेसेंस और इनमें एनुलिन मिलता था, तो जो चीज़ें इसमें नहीं मिलती वो मिलती थी, इस वजह से इनको भी वहाँ से हटा दिया गया। अब फैमिली में एडवांस फैमिली तो हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रिमिटिव करेक्टर हैं जो हमें दिख जाते हैं। उनमें क्या क्या हैं, सम प्लांट्स वुडियो पेरेनियल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताया था कि वर्बिसिना की एक स्पीशीज है जो कि ट्री बना लेती है। लीव्स अल्टरनेट सिंपल, ये कंडीशन भी प्रिमिटिव होती जो कुछ प्लांट्स में इसमें मिल जाती है। कैपिटुलम ऑफ ओनली एक्टिनोमॉर्फिक हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर इन सम जनरा, और कुछ में सिर्फ एक्टिनोमॉर्फिक होता है तो होमोगैमी होती है, तो वो भी प्रिमिटिव मानी गई, जैसे बर्नोनिया में, एजिरेटम में और माइकेनिया में। ओव्यूल्स एनाट्रोपस प्रिमिटिव कंडीशन होती है, ये मिल जाती है। पॉलिनेशन इंसेक्ट से, जैसे मैं बोल रहा था कि एनिमोफिलस एडवांस माना जाता है या इंसेक्ट से होता है, तो ये भी एक प्रिमिटिव करेक्टर है। तो बहुत एडवांस होने के बावजूद भी, सबसे ज़्यादा एडवांस फैमिली होने के बावजूद भी ये पांच करेक्टर हैं जो कि प्रिमिटिव माने जाते हैं। अब आते हैं एडवांस करेक्टर पे, तो ये तो एडवांस करेक्टर का तो एक तरह से बहुत गढ़ है,
तो क्या क्या है? एक तो यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट मिलते हैं, यही अपने आप में एक सबूत है कि एडवांस है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी सबूत है एडवांस है। हर्बेशियस प्लांट होते हैं, वो एनुअल भी हो सकते हैं, बायनियल भी हो सकते हैं, पेरेनियल भी हो सकते हैं, ये भी एडवांस करेक्टर है। स्टिप्यूल ना होना, अपोजिट वर्ल्ड होना एडवांस करेक्टर है। फ्लोरल बड्स इन्वॉल्यूकर से जो सुरक्षित करे जाते हैं, तो ये एडवांस करेक्टर है क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन लेवल बढ़ जाता है। फ्लावर सेसाइल होना, स्मॉल इनकॉन्सपिकुअस छोटे छोटे फ्लावर हैं तो उनकी सेफ्टी ज़्यादा रहती है, छोटे हैं तो ज़्यादा नज़रों में आते नहीं जानवरों के, तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा अच्छी रहती है, तो एक तरह से एडवांस करेक्टर माना जाता है। फ्लावर्स अरेंज टू फॉर्म कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस अपने आप में मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर एपिगाइनस और जाइगोमॉर्फिक है, एडवांस करेक्टर है। कैलेक्स रिड्यूस टू पेपर्स और स्केल्स एडवांस करेक्टर है। रिड्यू करोला गैमो गैमो पेटलस एंड ट्यूबुलर, ये भी एडवांस करेक्टर है, गैमो कंडीशन है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टेमेन एडवांस करेक्टर, स्टेमेन एपिपेटलस सिंजेनेशियस कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी ताकत बढ़ रही है, तो एडवांस करेक्टर है। गायनोशियम बायकार्पुलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी यूनिलोकुलर एडवांस करेक्टर है। सिंगल ओव्यूल एडवांस करेक्टर है, पहले भी कुछ फैमिलीज में हमने पढ़ा है कि सिंगल ओव्यूल एडवांस करेक्टर है। बेसल प्लेसेंटेशन एडवांस करेक्टर है। अब फ्रूट सिंपल है और डिस्पर्सल जो है वो पैराशूट मैकेनिज्म इसमें होता है, तो इसमें छोटे 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 रेशे लगे होते हैं, तो वो हवा में जैसे एकदम से नहीं गिरते बल्कि उड़ते हुए नीचे लैंड करते हैं, उसको कहते हैं पैराशूट मैकेनिज्म, एडवांस करेक्टर है। सम प्लांट्स आर विंड पोलिनेटेड एनिमोफिलस होते हैं, एडवांस करेक्टर है। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये भी एडवांस करेक्टर माना जाता है। ड्यू टू स्मॉल फ्लावर मच ऑफ द मटेरियल इज सेव्ड, और छोटे फ्लावर बनते हैं तो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ में कंप्रोमाइज, प्लांट की फिजियोलॉजी को नहीं करना पड़ता, मेटाबॉलिज्म जो है वो दोनों तरफ बढ़िया चलता है। तो ऐसा नहीं होता है कि जब फ्लावर बनने लगे तो प्लांट की बाकी जो एक्टिविटी है उस पर असर आए, तो वो साथ साथ चलते रहते हैं, एडवांस करेक्टर होता है ये। इसके अलावा इन सब के एडवांस करेक्टर के अलावा भी कुछ जो इसके अपने बहुत करेक्टरिस्टिक हैं, वो होमोजीनियस मेडुलरी रेज है। मेडुलरी रेज जब सेक्शन हम करते हैं स्टेम का तो वहाँ पर मिलती है, वो होमोजीनियस है। स्मॉल वेसल्स एंड फाइबर्स ये भी मिल जाते हैं, इसके एनाटोमिकल ये फीचर हैं। मॉर्फोलॉजिकल के अलावा फाइबर्स में स्मॉल पिट्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटरजाइलरी फ्लोएम, मेडुलरी एंड कॉर्टिकल बंडल, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ ये भी इसमें मिल जाता है। दीज सजेस्ट दैट एस्टरेसी इज द मोस्ट हाईली इवॉल्व एंड मोस्ट सक्सेसफुल फैमिली इन द प्लांट किंगडम। तो इतने हमने मॉर्फोलॉजिकल 15 के 15 या 20 के आसपास पढ़ लिए, और चार ही वो करेक्टर हैं जो कि एनाटॉमिकल करेक्टर हैं। तो एनाटॉमी के मुताबिक भी इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एडवांस मानी जाती हैं, तो कोई विवाद का इशू नहीं है कि इसका स्टेटस क्या होना चाहिए। अब बड़ी फैमिली है तो इसको दो सब फैमिली में डिवाइड किया गया, जिसमें 12 ट्राइब्स हैं। तो पहली सब फैमिली है एस्टेरॉइडी, और इसमें ये करेक्टर दिए हैं, इसमें 11 ट्राइब्स इसमें आ जाती हैं, 12 में 11 तो इसी में आ जाती हैं। और इसमें जो प्लांट्स आते हैं या जो ट्राइब्स हैं उनके नाम में हेलियंथी, जिसमें हेलियंथस आ गया, एस्टेरी एस्टर आ गया, एंथीमिडी, आर्कोटिडी, इनुली, सिनिक्वाइडी, तो इस तरह से ये नाम है, इनको तो याद ही करना पड़ेगा, वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये सिर्फ ये याद रखिए कि सब फैमिली एस्टेरॉइडी है, जिसके अंदर 12 ट्राइब में से 11 ट्राइब आ जाती हैं। दूसरी सब फैमिली है लेक्टुकॉइडी। अब लेक्टुका जो है वो एक थोड़ा अलग टाइप का प्लांट होता है, तो अलग फैमिली बना दी गई, और यहाँ पर इसके साथ में एक सोंकस भी आता है, और ये सिर्फ एक ट्राइब है लेक्टु की। अब बात करते हैं हम हेलियंथस एनस की, जो कि इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि इसके क्या करेक्टर हैं। तो ये तो आप लार देख ही रहे हैं और सभी पहचानते हैं इसको। रूट, इसमें टैप रूट होती है, ब्रांच होती है, ये इसका फिगर है, टैप रूट है, ये इलोंगेट कर रही है और इसके साथ साथ इसमें खूब सी ब्रांचेस भी निकल रही हैं। स्टेम इरेक्ट होता है, हर्बेशियस है, नीचे से कभी कभी वुडी हो जाता है क्योंकि पेरेनियल प्लांट है तो नीचे वुड बन जाती है। सिलेंड्रिकल होता है, सॉलिड होता है, ब्रांच होता है, ग्लैबरस ऑर्डिनरी। तो ये देख लीजिए इसमें सब, ये आपको रोए रोए दिख रहे हैं बहुत से रेशे, ब्रांचिंग ये दिख रही है, ये ब्रांच दिख रही है, इसकी गोलाई भी दिख रही है। तो ये सिलेंड्रिकल हो गया, अंदर से पूरा टिश्यू से भरा हुआ होता है इसलिए सॉलिड हो गया। तो ये सारे करेक्टर स्टेम के दिखते हैं। लीफ रेमल और कोलाइन दोनों होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, सिंपल हैं, पिटियोलेट हैं, एक्स स्टिपुलेट हैं, ओवेट हैं, सिरेट मार्जिन है, मार्जिन आप देख लीजिए थोड़े आरी नुमा से हैं, ये ऐसे ऐसे करके एकदम स्मूथ नहीं है, इनको सिरेट कहते हैं। एक्यूट अपेक्स होती है, अपेक्स इसकी एक्यूट होती है। सरफेस हिस्पिड होती है, उसमें रोए वगैरह पाए जाते हैं। यूनिकॉस्टेट आप देख ही रहे हैं, एक यूनिकॉस्टेट जा रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन आपको मिल जाता है,
और ये आपको यहाँ पर ये पेटियोल दिख रहा है, स्टिप्यूल कोई यहाँ पर नहीं होगा। इनफ्लोरेसेंस कैपिटुलम सराउंडेड बाय इनवॉल्यूकर जिन्हें फाइलेरीज भी बोलते हैं। कैपिटुला लार्ज विथ टू काइंड्स ऑफ फ्लावर, इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है। कैपिटुला बहुत बड़ा होता है, दो तरह के फ्लावर होते हैं, पेरीफेरल फ्लावर होते हैं जिन्हें रे कहते हैं, और डिस्फ्लोरेट होते हैं जो बीच में सेंटर में होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं रे फ्लोरेट्स, ये सारे किनारे वाले जितने भी हैं ये सब रे फ्लोरेट्स हैं और ये बीच वाले डिस्फ्लोरेट हैं। अब रे फ्लोरेट होते कैसे हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, ससाइल होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि सिर्फ फीमेल होता है, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, लिग्यूलेट होते हैं, पिस्टिलेट होते हैं क्योंकि फीमेल है तो पिस्टिलेट होंगे, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, फीमेल ना हो तो न्यूट्रल हो जाएंगे। एपिगाइनस कंडीशन इसमें होती है। कैलेक्स करोला, कैलेक्स तो इसमें पेपरी होता है तो वो तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन दो से तीन होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। तो एक पेपरी शीट यहाँ पर आपको हमेशा मिल जाएगी, ये नीचे के हिस्से में पेपरी फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसको हम कहेंगे कैलेक्स। करोला जो है वो थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है, फाइव पेटल्स होते हैं, गैमोपेटलस होता है, बेसल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे ये सब मिलके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे क्योंकि पाँच हैं तो ऊपर की तरफ इसका जो मुंह होगा, बिल्कुल जो इसका टिप होगा, इसमें पाँच ये इस तरह से आपको नॉचेस दिख जाएंगे, और कभी कभी ये तीन भी हो सकती हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि पाँच ही होना है, इसमें तीन भी हो सकती हैं, पाँच भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, जितनी होंगी उतने ही पेटल्स माने जाते हैं। और ये वो पार्ट है जिसको हम बोल लें इन्वॉल्यूकर या फिर फाइलेरिस। तो ये नीचे की तरफ होता है जो कि हमें धोखा देता है कि ये सेपल्स हैं और ये पेटल्स हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ये सेपल्स नहीं होते और ये होते हैं इन्वॉल्यूकर। सेक्स ऑर्गन्स टेंडुशियम, इसमें क्योंकि रे फ्लोरेट है तो इसमें एबसेंट होता है, गाइनोशियम कभी कभी एबसेंट होता है और कभी प्रेजेंट होता है, जब प्रेजेंट होगा तो बाइकार्पलरी होगा, सिनकार्पस होगा, इन्फीरियर होगा, यूनिलोकुलर, बेसल प्रेजेंटेशन, सिंपल स्टाइल, बाइट फिट, स्टिग्मा, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। डिस्क फ्लोरेट ब्रैक्टिएट होते हैं, सेसाइल होते हैं, कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट, ट्यूबुलर, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, एपिगाइनस। और डिस्क फ्लोरेट ये आपको जो सेंटर वाले हैं इन पे हमें ध्यान लगाना पड़ता है। फ्लोरल पार्ट्स इसको देखना बहुत ज़रूरी है, जो डिस्क फ्लोरेट होता है खासकर उसके, क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि ये पार्ट है जिसको हम कहते हैं डिस्क। अब इसकी तो बात हो गई कि यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं और फीमेल ही होंगे सिर्फ। डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, तो एक फ्लावर आप निकालेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा। ये नीचे की तरफ आपको ये पेपरी कैलेक्स दिखता है, ऊपर की तरफ ये येलोइश करोला दिखता है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और फिर जब ये ओपन होते हैं तो यहाँ से आपको ये निकल के दिखते हैं स्टेमेंस, और बिल्कुल टिप जो है ये आपका स्टिग्मा दिखा रहा होता है। तो इसको हम और इनलार्ज करके देखें तो ये आपका स्टिग्मा बाइफिड हमें नज़र आ रहा है, स्टिग्मा बाइफिड ये बन गया। इसमें जो एंडोशियम सिंजनेशियस कंडीशन होती है तो एंडोशियम का पार्ट हो गया, यहाँ पर ये आ रहे हैं हमारे कोरोला, और ये पेपरी फॉर्म में आ रहा है कैलेक्स। और इन लार्ज व्यू में देखें तो यहाँ पर आप ये करोला का पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट कैलेक्स का हो गया, ये नीचे इन्फीरियर ओवरी दिख रही है, और यहाँ पर से निकले थे क्या मेल पार्ट, और इसके बीच से निकलता है फीमेल पार्ट। ये इनका अलग से, ये डिस्क फ्लोरेट का आप देखेंगे तो इस तरह से है, और जो रे फ्लोरेट में देखा था वहाँ पर वो लिगुलेट फॉर्म में मिलता है। तो कैलेक्स कैसे हो गए, पेपस हो गए, रिड्यूस हो गए, मॉडिफाइड होते हैं, स्केल लाइक होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। कोरोला फाइव हो गए, गैमो हो गए, ट्यूबुलर पांच अगर हैं तो पांच उसमें टूथ नज़र आएंगे, और टीथ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेटल्स, वेलवेट एस्टिमेशन होता है। एंडोशियम स्टेमेन फाइव हो गए, एपीपेटलस, फिलामेंट्स फ्री, शॉर्ट, अल्टरनेटिंग विद पेटल्स, एंथस इंजिनिशियस, बेसिफिक्स, डाइथिकस, एंट्रोस। गाइनोशियम बायकार्पुलरी, सिनकार्पस, यूनिलोकुलर, इन्फीरियर, बेसल प्लेसेंटेशन, ये सब वही है जो आपने पढ़ा था पहले भी, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता चाहे वो रे का हो चाहे डिस्क का हो। अब यहाँ पर इसका एक बार फिगर देख लीजिए हेलियंथस का, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये ब्रैक्ट दिख रहा है, ये ब्रैक्ट हो गया, यहाँ पर ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन हो गई, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और
फीमेल भी हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल होंगे या फिर फीमेल होंगे। के जो है वो पेपस है, पेपरी है, सी फाइव है, तो के पेपरी जब दिखाते हैं तो हम सिर्फ ये डॉट डॉट दिखा देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिखाएंगे। और सी फाइव में 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ए नहीं है, ए कहीं पर भी कुछ नहीं है। जी दो है तो इसमें नॉच दिख रही है, बाइकार्पेलस इन कार्पस और इन्फीरियर ओवरी ये हमें नज़र आ जाती है। और अगर न्यूट्रल फ्लावर है तो इसमें ओवरी भी नहीं होगी, तो अगर न्यूट्रल फ्लावर होगा तो ये पार्ट भी नहीं मिलता। डिस्प्लोरेट की बात करें, ब्रैक्टीएट है, ब्रैक्ट हमें दिख गया। उसके बाद जायको एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट है, दोनों सेक्स मौजूद हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। के पेपस यहाँ पर भी है, सी फाइव है, आपस में जुड़े हुए हैं और ए से भी जुड़े हुए हैं, तो ए फाइव है और ये यहाँ पर एपिपेटलस कंडीशन है। जी सिम वही है जैसे पहले थी, सिनकार्पस बाइलोकुलर और इंफीरियर ओवरी, और ये कंडीशन सेम है। तो ये बात हो गई दोनों के डायग्राम की। इसको यहाँ पर गायनोशियम को एक बार देख लें, कि गायनोशियम सब कुछ निकाल दें तो गायनोशियम इस तरह से दिखेगा, ये नीचे का ओवरी वाला पार्ट दिखेगा। ये स्टाइल है जो कि स्टेमन जो ट्यूब बनाते हैं जुड़कर, उसके बीच से होकर निकलती है और बाहर की तरफ हमें ये बाइफिड स्टिग्मा दिखता है। ये लाइन ड्राइंग है जो कि हेलियंथस की होती है, तो ऐसे ही जब आपको बनाना हो तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। तो लाइन ड्राइंग में आप तो ये डिस्फ्लोरेट बना देंगे, रे फ्लोरेट तो ये अपने आप में हो ही गया, और इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, बस काम आपका ये जो प्रैक्टिकल वाला है वो खत्म हो जाता है। ये सारे वो रेफरेंसेस हैं जो कि लिए गए थे इस प्रेजेंटेशन को बनाने में, तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रखी है वेब के ऊपर, कि जो काफ़ी हेल्पफुल होती है इस तरह के जो पिक्टोरियल लेक्चर हैं उनको बनाने के लिए। तो इसी के साथ में जो अपना एस्टेरेसी फैमिली, जो मोस्ट एडवांस फैमिली है, उसका पार्ट खत्म होता है। अब आप इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।